आपने सुना इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने भारत की जीसैट N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की। ये लॉन्च अमेरिका के फ्लोरिडा में कनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से हुआ। खास बात यह है कि ये इसरो और स्पेसएक्स के बीच पहला बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट है और दिलचस्प बात यह है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद हो रहा है। लेकिन आखिर ये सैटेलाइट इसरो ने क्यों नहीं लॉन्च की, क्यों स्पेसएक्स ने इसे लॉन्च किया, इसी पर बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। इससे पहले कि हम इस बात पर गौर फरमाएं कि भारत की जीसैट N2 सैटेलाइट इसरो के बजाय स्पेसएक्स के जरिए क्यों लॉन्च हुई, ये समझ लेते हैं कि जीसैट N2 क्या है। जीसैट यानी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, ये एक सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे इसरो ने डेवलप किया है। जीसैट N2 एक हाई थ्रूपुट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे इसरो के सैटेलाइट सेंटर और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ने मिलकर बनाया है। ये सैटेलाइट जीसैट सीरीज की नई कड़ी है जो भारत के स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए डेटा ट्रांसमिशन की कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद करेगी। इस सैटेलाइट की डेटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी 48 GBPS है। इससे पूरे देश में ब्रॉडबैंड सर्विसेज और इन फ्लाइट कनेक्टिविटी में सुधार होगा। जीसैट N2 की खासियत ये है कि इसमें मल्टीपल स्पॉट बीम्स हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सर्विस को ज्यादा एफिशिएंट और बेहतर कवरेज देंगे। इसरो के मुताबिक इस सैटेलाइट में 32 यूजर बीम्स हैं। इनमें से 8 नॉर्थ ईस्ट रीजन को कवर करने वाले नैरो स्पॉट बीम्स हैं और बाकी भारत के लिए 24 वाइड स्पॉट बीम्स हैं। इन बीम्स को भारत के मेनलैंड में बने हब स्टेशन से सपोर्ट मिलेगा। तो इसरो ने इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए स्पेसएक्स को क्यों चुना, अब इस सवाल के जवाब को समझते हैं। इसरो आमतौर पर फ्रांस की एरियन स्पेस कंपनी के एरियन रॉकेट्स का इस्तेमाल करता था, लेकिन इस बार कुछ अलग है। दरअसल जीसैट N2 का वजन 4700 kgs है और इसरो का अपना LVM3 लॉन्च व्हीकल 4000 kgs तक का ही पेलोड कैरी कर सकता है। इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए बड़े और पावरफुल रॉकेट की जरूरत थी जो स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए पूरा हुआ। तो अब समझते हैं कि फाल्कन 9 रॉकेट क्या है। फाल्कन 9 स्पेसएक्स का सबसे फेमस रॉकेट है। ये एक 2-स्टेज रॉकेट है जो पेलोड और इंसानों को पृथ्वी की कक्षा और उससे आगे ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। स्पेसएक्स के मुताबिक फाल्कन 9 दुनिया का पहला ऑर्बिटल क्लास रीयूजेबल रॉकेट है। रीयूजेबल टेक्नोलॉजी से रॉकेट के सबसे महंगे हिस्सों को फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे स्पेसएक्स की लागत कम हो जाती है। रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी स्पेसएक्स की सैटेलाइट लॉन्चिंग की दुनिया में रेवोल्यूशन लाया है। यही वजह है कि इसरो ने इस प्रोजेक्ट के लिए स्पेसएक्स को चुना है। तो अब बताते हैं कि भारत के लिए ये क्यों खास है। पहली बात ये कि ये पहली कमर्शियल पार्टनरशिप है। ये स्पेसएक्स और इसरो का पहला बड़ा प्रोजेक्ट है जो भारत के स्पेस मिशन को एक ग्लोबल बूस्ट देगा। दूसरी चीज ये कि ये स्मार्ट सिटीज मिशन को सपोर्ट करेगा। जीसैट N2 भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा, खास तौर पर ब्रॉडबैंड सर्विसेज और इन फ्लाइट कनेक्टिविटी को। तीसरी बात ये कि ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में नई ऊंचाइयों को छुएगा, क्योंकि फाल्कन 9 जैसे रॉकेट के इस्तेमाल से भारत को भारी सैटेलाइट्स लॉन्च करने का नया तरीका मिल गया है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी और स्पेस में दिलचस्पी रखते हैं तो आप समझेंगे कि ये सिर्फ जीसैट N2 का सफर नहीं है बल्कि भारत के स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नई शुरुआत है। फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग स्विच।